हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार, वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा हम लोग क्या चीजें करने वाले हैं, आज इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप वीडियो को एंड तक देख लिए। और वीडियो को देखना ही सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है, अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, बहुत बड़ी कह सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन आने वाला है आपके लाइफ में, बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है आपके लाइफ में। बस चीजों को फॉलो करने की जरूरत है और इस चीज के लिए आपको ना कोई पैसे नहीं लग रहा होता है। मतलब मैं ऐसी सारी चीजें बात करूंगा जो आप खुद अपने एफर्ट से आप इन चीजों को हासिल कर सकते हैं। आप थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगा करके, आप ये कहें कि एफर्ट कम लोग हमेशा लगाते हैं अपने लाइफ को बनाने में, अपने गोल को अचीव करने में, या हमारा जो भी सपना है हमारे ड्रीम्स को फुलफिल करने में हम लोग एफर्ट तो जरूर लगाते हैं, बट हमें एक डायरेक्शन पता नहीं होता है। होता क्या है ना, एक्चुअली जब बच्चे कॉलेज पहुंचते हैं तो अंदर से ये बहुत भरे हुए होते हैं, क्योंकि स्कूल में हमारे अंदर मतलब सप्रेशन होता है ना, पेरेंट्स का, गार्जियंस का, मार्क्स का, ये सब प्रेशर रहता है। तो अचानक से आपको एक फ्रीडम मिला होता है स्कूल में आकर, सॉरी कॉलेज में आकर के, तो आप अचानक से खुल जाते हो। मतलब वो अंदर में जितना सब कुछ भरा हुआ था ना, वो अचानक से ब्लास्ट होता है। और उस टाइम में अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा होता है ना, तो आप बहुत परेशान होते हो, क्योंकि ये बहुत ही वल्नरेबल एरिया होता है आपके पास। और हम लोग इस एरा में है यार, जहाँ पे हमें पैसे की कम जरूरत होती है, हमारे पास अगर टैलेंट है, हमारे पास अगर डायरेक्शन है, तो आप कुछ एक पार्टिकुलर चीज उखाड़ सकते हो। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं यार, मैंने आप चाहो तो कॉपी पेन लेके बैठो, मैंने खुद ही पेन लेके बैठा है आपके लिए। कुछ चीजें होगा जो आप यहाँ पे नोट भी कर लेना, या फिर आप अपने दिमाग में बैठा लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। चीजों को बिल्कुल अच्छे से समझने की जरूरत है। मैं बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछना और चीजों को एक एक करके समझने की कोशिश करना। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स की बात कर रहे होंगे। कॉलेज में भी मैं ज्यादातर फोकस करूंगा यूजी कोर्सेज के, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बच्चों को, क्योंकि यार हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो और पीजी कोर्सेज के हैं, जो पीएचडी हैं, वो यार खुद ही इतना स्मार्ट होते हैं, वो चीजों को टैकल करने के लिए जानते हैं। फिर भी आप वीडियो को देख सकते हैं आइडिया लेने के लिए। ऑब्वियसली स्कूल के बच्चों के लिए भी कुछ पोर्शन वीडियो का इम्पोर्टेंट होगा, बट उनके लिए यार उनका एजुकेशन ज्यादा भी इम्पोर्टेंट होता है। मतलब ऐसा हम लोग माना जाता है, जबकि ये बात मैं नहीं मानता हूँ कि आप अगर स्कूल में तो आप बस अपने पढ़ाई में फोकस करें, आप अपने स्टडीज में फोकस करें, उसके अलावा आपको चीजें नहीं सोचना है, आपको लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। ऐसा हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है हमारे स्कूल्स में, हमारे टीचर्स सिखाते हैं, हमारे पेरेंट्स, बट ये बात खैर मैं नहीं मानता हूँ। तो चलिए, चीजें हो सकता है आपको क्लियर हो गया, ओवरव्यू बहुत ज्यादा हो गया, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में एक्चुअली मैं कुछ स्किल्स की बात कर रहा हूँ जो आपको डेवलप करना जरूरी है यार। स्किल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो हमारे कोर्स और हमारे बैकग्राउंड से रिलेटेड होता है, कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जो हम सबके पास होना चाहिए। अगर आपका एग्जिस्टेंस है सोसाइटी में तो आपको ये स्किल होना चाहिए। अगर आपके पास इन तरह के स्किल्स नहीं होते अगर, तो आप कामयाब नहीं माने जाते हो सोसाइटी में, मतलब आप एक डिस्कार्डेड वर्जन हो जाते हो अपने सोसाइटी के लिए। तो चीजों को यार समझना थोड़ा बहुत जरूरी है। सबसे पहले यार हम लोग अपने आप को, पता है हमें अपने आप को ना लिमिटलेस ट्रीट करना चाहिए। वी आर रियली अ लिमिटलेस रिसोर्स। मतलब ऐसा नहीं आप अपने आप को लिमिट में बांध देते हो यार, इस चीज को ऐसे समझते हैं। मैं कुछ ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आप कुछ मतलब हाइपोथेटिकल होने लग जाओ, आप कुछ इमेजिनरी चीजों को इमेजिन करने लग जाओ। मैं बस चीजें आपको बता रहा हूँ कि आप हम लोग को एक लिमिटलेस का मतलब मेरा यहाँ ये है कि यार एक हम लोग जो एक छोटा सा बच्चा होता है, या बहुत बच्चा मत कह लो यार, हम लोग स्कूल में जब होते हैं हम लोग ड्रीम करते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, एक बहुत अच्छा इंजीनियर बनूंगा, IIT जाऊंगा, नीट क्रैक करूंगा, UPSC क्रैक करूंगा, IAS IPS बनूंगा, मेरे पास एक बहुत बड़ी गाड़ी होगी, बंगला होगा, ये सारी चीजें हम लोग बोलते हैं, अपना फ्लैट होगा। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे फिर वो सब चीजें छोटा होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को लिमिट में बांध देते हैं, मतलब हम एक्सपेरिमेंट करना छोड़ देते हैं। यार एक्सपेरिमेंट करने में कोई बुराई नहीं है, हमें ना बचपन से सिखाया जाता है एक्सपेरिमेंट उन चीजों पर करो जहां कामयाबी मिले। अगर फेल हो गए तो क्या हो गया, पैसे बर्बाद होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, आपका पोटेंशियल बर्बाद होगा, एनर्जी बर्बाद होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग अपने आसपास चीजों को गौर करो, जो भी चीज हम लोग देखते हैं, दिस ऑल आर द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। मतलब कोई चीज ऐसा नहीं कि तुरंत वो वही सोच के बनाना शुरू किया और बन गया। जब हम लोग लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना, मतलब कि एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं अलग अलग चीज, तो अलग अलग चीजों को हमको एक्सपीरियंस मिलता है। कई बार आप कुछ कर रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर चीज शुरू की, उस चीज में आपको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उसमें एक ऐसा इंसान मिल गया, ऐसा एक आइडिया मिल गया जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है, आपको एक अलग डायरेक्शन में आपकी लाइफ ले जाता है। तो इस चीजों को यार समझने की जरूरत है। दूसरी बात, हम लोग जब कॉलेज में आते हैं हम लोग ग्रुपिंग बनाना शुरू करते हैं, दोस्त जिसको कहते हैं हम लोग लाइक माइंडेड पीपल को खोजते हैं, फिर उसको हम लोग अपना दोस्त बनाते हैं। कोई लड़का अगर कोई ग्रुप है स्मोकिंग कर रहा है, मैं भी स्मोकिंग कर रहा हूं तो मैं उनके साथ दोस्ती करना चाहूंगा, या ये तो चलो ये हैबिट की बात है। और आगे चल के थोड़ा चलते, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है, कोई बंदा बिजनेस की बात करता है, कोई डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग की बात करता है, नेटवर्किंग की बात करता है,
या कोई एकेडमिक की बात एकेडमिक्स की बात करता है कि मुझे आगे चलकर टीचर बनना है प्रोफेसर बनना है, तो हम लोग अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ अपना क्या बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो इन चीजों से यार हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है, हमें हमारा सर्कल थोड़ा सा मतलब खुला हुआ होना चाहिए, हमें सबसे दोस्ती होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी सबसे बात होनी चाहिए। उससे क्या होता है लोगों के आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं, लोग जो आइडियाज शेयर करते हैं वो आपके दिमाग में। एक आप एंटरप्रेन्योर से बात करेंगे या कोई ऐसा लड़का जो बिजनेस माइंडेड है वो लड़का, और एक आप बात करेंगे जो एकेडमिशियन बनना चाह रहा है, जो एकेडमिक्स में जाना चाह रहा है, टीचर बनना चाह रहा है, दोनों का एक्सपीरियंस अलग अलग होगा। दोनों से आप जब बात करोगे तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिल रहा होता होगा। ये चीजें इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ग्रुपिंग कैसी हो रही है, और वो अपने आपको थोड़ा सा मतलब एक्सपोज रखो। मेरा कहने का मतलब है हमें अपना लिमिट में नहीं बांध लेना है अपने आपको, हमें अपने आपको कंस्ट्रिक्ट नहीं कर लेना है, ठीक है ना। दूसरी बात, ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड का मतलब मेरा यार लर्न टू एक्सेप्ट थिंग्स, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। मतलब इसको अगर हम लोग और दूसरे वे में देखें तो हमें इगोस्टिक नहीं होना है, हमें चेंज को एक्सेप्ट करना है, अपने अंदर चेंज करने के लिए हमें तैयार रहना है। मेरा ये मतलब नहीं कि अपने ओरिजिनलिटी को चेंज कर लो, बट अपने अंदर जो फ्लॉज हैं, जो हमारे पास जो कमियां हैं हमारे अंदर, वो दूर करने की जरूरत है। अगर सामने से एक बंदा आता है बोलता है कि आपकी लैंग्वेज सही नहीं है, तो यार उसमें काम करना शुरू करो। आपकी पर्सनालिटी सही नहीं है, वे ऑफ टॉकिंग सही नहीं, तो उस पर काम करना शुरू करो, न कि उसको हम लोग दिल पे ले रहे हैं। हम लोग को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको अच्छे से एक्सेप्ट करना है, उस पर हमें चेंजेस करने की जरूरत है। आगे चल के मैं और भी बहुत सारे स्किल्स बताऊंगा जो रियली आपके बहुत काम का होगा। अब वीडियो को अंदर तक बने रहना। मैंने चीजों को असल में मैंने नोट करके लाया आपको, मैं दिखाऊं इतना बड़ा स्क्रिप्ट लिख के लाया हूं मैं आपके लिए, तभी मैं एक चीज करके चीजें आपको बता रहा हूं। यार मैं एक कोट कहीं पढ़ रहा था, ये मुझे सच में बहुत पसंद आया, और भी एक वीडियो में मैंने बोला था कि इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ जस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ फेलियर। अगर आप अपने जिंदगी में सक्सीड करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो अपने रेट ऑफ फेलियर को आप बढ़ा दें। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कोई चीज शुरू करें तो हम लोग फेल होने के नियत से शुरू करें, इसका मतलब ये नहीं है। असल में होता क्या ना, जो हम लोगों के कामयाबी लोगों के मतलब ब्राइट पोर्शन को देखते हैं, बट उससे पहले वो बहुत बार फेल हुआ होता है। जब हम लोग कोई चीज शुरू करते हैं तो फेल होने की संभावना प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, हमें इन चीजों को एक्सेप्ट करना है। मतलब इसीलिए कहा गया इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ जस्ट इंक्रीज योर रेट ऑफ फेलियर। कुछ स्किल्स को हमें डेवलप करना जरूरी है यार, वो मैंने अभी बताया, वो ट्रेड के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। कोई आर्ट्स का बंदा होगा, बीए कर रहा होगा, एमए कर रहा होगा, तो उनके लिए यार उनका पर्टिकुलर स्किल अलग हो सकता है। बीकॉम का बंदा होगा कोई, उनके लिए अलग हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, बिजनेस अकाउंट हो सकता है, उनके लिए अलग स्किल हो सकता है। कोई इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड का बंदा उनके लिए अलग हो सकता है। कोई टीचिंग और प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे होंगे तो उनके लिए सॉफ्ट स्किल्स, उनके लिए उनका स्किल्स अलग हो सकता है। बट कुछ स्किल्स होता है जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कॉमन होता है, जो हमें सीखना सच में बहुत जरूरी होता है, जैसे कि इंग्लिश और कम्युनिकेशन। ये सब चीजें मैं बता भी दूंगा आप कैसे करोगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसी बात करूं कि आप जाके कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेना, कोई मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेना जहां आप हजारों हजार रुपए दो फिर जाकर के कुछ हाथ नहीं लगता बाद में, तो ये मैं नहीं कर रहा। ये सारी चीजें मैं ऐसे बताऊंगा, मैं एक वे भी बताऊंगा कि आप कैसे इन चीजों को सीखोगे। इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात करते हैं, पर्सनालिटी की बात करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग, ये तीन चीज ऐसी है जो सबको आनी चाहिए। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अब यार लास्ट ईयर एक इंडिया का एक रिपोर्ट आया था, कई रिपोर्ट में दिखाया गया था कि इंडिया में ऑब्वियसली यार एम्प्लॉयमेंट कम है, इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी भी। आप चीजों को समझिए, एम्प्लॉयबिलिटी का क्या मतलब है। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब है कि ऐसे हमारे पास ढेरों यूथ हैं जो एम्प्लॉयमेंट के लायक ही नहीं है, जिसको मतलब एम्प्लॉयमेंट दिया नहीं जा सकता है, यानी वो काम के लायक नहीं है, उनके पास एक पर्टिकुलर स्किल नहीं है कि जिसको जिसके बेस पे उसको पे किया जाए। तो आप ये सोच सकते हैं हमारे अंदर यार बेसिक स्किल्स की बहुत जरूरत है। उसके बाद हमारे पास यार बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर लिटरेसी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके चीजों को बात करते हैं। अभी मैंने जो डिस्कस किया इंग्लिश कम्युनिकेशन, इसको यार आप खुद से कर सकते हैं, ग्रुपिंग बना के लाइक माइंडेड पीपल के साथ आप ग्रुपिंग बना सकते हैं। ये ग्रुप यार कई बार ऐसा होता है ना, आपके दोस्त आपके साथ प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, या आप खुद नहीं करना चाहते हो कि आपको लगता है कि मैं कोई मिस्टेक करूंगा तो वो हम पे हंसेंगे, तो आप यार एक वर्चुअल ग्रुप बना सकते हो। मैंने ये चीज लॉकडाउन में खुद किया है, शायद ऐसी यार इकलौती चीज होगी या फिर यूट्यूबिंग करें, ये दो चीज बस ऐसी है मेरी जिंदगी में जिसको मैंने कॉन्स्टेंटली किया है, कंसिस्टेंसी के साथ किया है। यार मैंने किया क्या था, लॉकडाउन के स्टार्टिंग में एक वर्चुअल ग्रुप बनाया था, उसमें 10-15 लोग थे, तो सारे लोग तो एक्टिव नहीं थे, बट उसमें 6-7-8 लोग इतने एक्टिव थे कि जिसको मैं हर दिन गाइड कर रहा होता था, उनसे मैं गाइडेंस ले रहा था, मैं उनको गाइड कर रहा था सिर्फ स्पीकिंग के लिए। मैं दिन का दो दो शुरू में तो 3-3 घंटा, उसके बाद 1.5 से 2 घंटा डेडिकेट करता था अपने स्पीकिंग के ऊपर, अपने प्रैक्टिस करने के ऊपर, ताकि उससे मुझे कुछ बेनिफिट मिले। हम लोग लोगों से सीखते थे, फिर मैं जो सीखता था उनसे मैं एक्सचेंज करता था, वो मेरे से एक्सचेंज करता था। ऐसे ही आपका नॉलेज बढ़ता है, आपके अंदर बोलने का कॉन्फिडेंस आता है, कुछ भी बोलना, बस जस्ट ब्लैबरिंग, कीप ब्लैबरिंग, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हो तभी आप बोलो। अब बात आती है कि यार जब एक बंदा से या एक बंदी से आप डेली जब बात करते हो, कुछ काम की बात है जहां करना है आपको, कुछ भी नहीं बात कर रहे हो, तो उसके लिए यार आपके पास मटेरियल भी चाहिए, दिमाग में कुछ होना चाहिए,
तभी आप बोलोगे। तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें करना है, कैसे करना है। आप अगर कहोगे तो मैं एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप भी बना दूंगा जिसमें मैं खुद आपको हेल्प कर रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो, जिन लोग अगर इंटरेस्टेड हो वही मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कोई भी बोल देता है बट वो फिर फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप बालकता इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज करोगे, इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, तो मुझे समझ में आएगा कि आप सच में सीरियस हो। और अगर ज्यादा लोग सीरियस होंगे तो मैं इसके लिए ग्रुप बना दूंगा जहां पे हम लोग एक दूसरे से सीखेंगे और बहुत अच्छे से चीजें हम लोग कर सकते हैं। पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप आपका कलर, आप कैसे दिखते हो, हाइट एंड ऑल। पर्सनालिटी का मतलब हाउ यू आर बिहेविंग एंड टॉकिंग विद पीपल, हाउ यू आर इंटरेक्टिंग विद द पीपल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक स्पीकिंग, या पब्लिक स्पीकिंग हमें ऐसी चीज लगता है कि जो स्पीकर्स के लिए जरूरत हो सकता है, बिजनेसमैन के लिए, टीचर के लिए, जो अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हर दिन अपने टीचर्स से, अपने स्टूडेंट से, अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से इंटरेक्ट करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग यही तो है। कैसे आप इंटरेक्ट करते हो, किसी को चीज को या किसी को कन्विंस करना होता है। कई बार हमें अपने फ्रेंड्स को, हमें अपने मम्मी पापा को कन्विंस करना होता है किसी चीज के लिए, तो हम उसको कैसे कन्विंस करें। यही तो है पब्लिक स्पीकिंग, दिस इज एक्चुअली द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। बट हम लोग इसको अलग से रहते हैं, प्रोफेशनल वे में ले जाते हैं कि ये कुछ अलग चीज है, नहीं ये अलग दुनिया की चीज है, ये हमारे लिए नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्ट रीडिंग बुक्स, इट विल रियली हेल्प यू अलॉट, इट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, रियली बिलीव मी। स्टार्ट रीडिंग बुक्स, किसी भी तरह की बुक्स आप पढ़िए। शुरू में क्या होगा यार, आपको, मैंने खुद लॉकडाउन में ये बुक पढ़ने का हैबिट डेवलप किया है, बहुत फायदा करेगा ये आपको। एक्चुअली यार कई बार होता क्या ना हमारे साथ, हम लोग ये समझ नहीं पाता कि हमें लाइफ में करना क्या है। तो ये एक आपको पर्सपेक्टिव दे जाता है, जब आप बुक रीड करना शुरू करते हैं एक अलग थिंकिंग प्रोसेस हो जाता है आपका। मतलब आप बहुत हाई लेवल की चीजें सोचने लगते हो, अपना डिसीजन आप खुद से लेने लगते हो। तो ये बुक रीडिंग का हैबिट आप डेवलप कीजिए। इसको करने के लिए ऐसा होता है कई बार हमें मतलब नहीं आएगा मन, दो पेज मुश्किल से आप पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे। तो आप ऐसी बुक से शुरू करो जहां आपको इंटरेस्ट हो। ये हो सकता है कोई सेल्फ हेल्प बुक हो सकता है, कोई लव स्टोरी की किताब हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है, कोई फैंटेसी हो सकता है, जो आपको पसंद है वो करो। मतलब ऐसी जॉनरा से शुरू करो जो आपको पसंद है, फिर आप या हॉरर बुक पढ़ सकते हो, जो भी जॉनरा आपको पसंद है उससे शुरू करो, फिर आपका हैबिट डेवलप हो जाएगा, फिर आप कुछ भी पढ़ सकते हो। तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी की बात मैंने कर दिया। उसके बाद यार कोई क्लब्स, कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं। क्लब का मेरा यहाँ मतलब है कि कोई स्पीकिंग क्लब हो सकता है, कोई लर्निंग क्लब हो सकता है, जैसे कि टोस्ट मास्टर क्लब है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, बहुत अच्छा एक क्लब है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं जैसे कि SIO है, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कोई प्राइवेट छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जहां आप लोगों को लीड कर रहे होगे, जहां आप ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे होगे। या फिर यार शुरू स्टार्टिंग में जरूरी नहीं कि आप लीड करो, लेकिन आप उनके अंडर में रहकर, उनके मेंबर रहकर भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। या आप एक ग्रुप बना सकते हो, एक ऐसा होता है ना कि जैसे कि आपने एरिया का, अपने एरिया का आप एक ग्रुप बना दे जामे में, आपके आसपास के जितने लोग हैं उस ग्रुप में जुड़ेंगे और आप लोगों से बस बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, अपने टीचर से मिलेंगे, कुछ नहीं करना होता, बस बातें करना होता, थोड़ा बहुत आपको टाइम देना है इन चीजों के लिए। और बिलीव मी यार ये टाइम वेस्ट नहीं है, वो अलग चीज है। किसी का अगर ड्रीम ये यूपीएससी कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है आगे चल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो वो अलग चीज है। अदरवाइज आपको ऑलराउंडर बनना बहुत जरूरी होता है अभी यार चीजों को। उसके बाद मैंने ये वाली बात कर दी यार, अपने ऊपर कुछ टाइम आप खर्च करो। मतलब हम लोग पता है करते क्या, खुद को बनाने के चक्कर में खुद पे हम लोग टाइम खर्च नहीं कर पाते, स्पेंड नहीं कर पाते टाइम। अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा मनी स्पेंड करने की जरूरत है। उसके लिए चाहे तो आपको कुछ करना पड़े, थोड़ा पैसे अगर अपने आप खर्च करो नहीं हो रहा तो आप पढ़ाना शुरू करो, पैसे कमाना शुरू करो, लेकिन खर्च करना अपने पे जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके बाद यार आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो। मतलब अभी मैंने बताया कीप एक्सपेरिमेंटिंग, ये 3 साल 2 साल आपका आपका जो है आप इसमें एक्सपेरिमेंट करते रहो यार, चीजों को, अलग अलग चीजों को एक्सपेरिमेंट करो कि व्हाट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। जरूरी नहीं कि सब चीज के लिए सेम वर्क करें। किसी के लिए टीचिंग वर्क कर सकता है, किसी के लिए यूट्यूबिंग, किसी के लिए ब्लॉगिंग वर्क कर सकता है, किसी के लिए व्लॉगिंग वर्क कर सकता है, अलग अलग चीजें हो सकता है। बट आपको काम करना है, अपने पैशन को फॉलो करना। आप यूट्यूबिंग कर सकते हो, मतलब जरूरी नहीं है कि सब लोग यार एजुकेशन कंटेंट ही बनाने लग जाए, सब लोग इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस भी ही देने लग जाए। किसी को अगर प्रैंक में शौक है तो आप वो कर सकते हो, आपको रिव्यू में शौक है आप वो कर सकते हो, अनबॉक्सिंग कुछ भी यार। मतलब मेरा एक एग्जांपल देने का मतलब था कि अगर यूट्यूबिंग में शौक है आपको तो वो कर सकते हो, कुछ भी आप ट्राई करो। अगर आपको लग रहा है ना कभी स्कूल में आपने सोचा होगा या आपने पहले सोचा होगा ये काम मुझे करना, तो ये करो यार, बिल्कुल करो। ये बहुत ये कभी मत सोचना कि आप कॉलेज खत्म हो जाएगा तो आप करोगे कुछ, कुछ नहीं हो पाता। एक बहुत बड़ा गंदा सा प्रेशर आएगा आपके ऊपर अगर आप इन चीजों को नहीं सीख पाते हो तो। बाकी मैं डिफरेंट इसके लिए बना दूंगा, अलग अलग बैकग्राउंड के लिए, इंजीनियर्स के लिए क्या कर सकते हैं आप, जो साइंस आर्ट्स वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट ये वीडियो मैं कॉमन रख रहा हूँ सबके लिए यार। यार वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अपने वीडियो में मेंशन करना भूल गया वो है फॉरेन लैंग्वेज।
एक फॉरेन लैंग्वेज ऐसी चीज है जिसमें यार एक जॉब सिक्योरिटी है, मतलब कि ज्यादातर समझे कि गारंटेड जॉब है और वो हाई पेइंग जॉब है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कोर्स के साथ, मतलब आपको अपना कोर्स छोड़ना नहीं है, मेन स्ट्रीम जो है आपका वो रहेगा, उसके साथ आप कैसे फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, कहां से सीख सकते हैं और कौन कौन से बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यार एक दो दिन में वीडियो आ जाएगी, उसमें मैं बता दूंगा सारी चीजें, मैं ए टू जेड पूरी जानकारी दूंगा। हो सकता है एक दो सीरीज आ जाए उसके वीडियो का, एक वीडियो में अगर नहीं हो पाए तो, बट मैं जरूर बताऊंगा। मैंने पहले भी वादा कर रखा, अब तक बताया नहीं, बट जल्दी मैं बता दूंगा। कई चीजों का मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, आप यूट्यूबिंग कर सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो, व्लॉगिंग कर सकते हो, सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन सकते हो, कुछ भी खुराफाती चीजें लगे ना, बट वो करो यार, कीप एक्सपेरिमेंटिंग, रियली इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट एंड इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, रियली बिलीव मी। होप यार आपको वीडियो सही लगा होगा, और कुछ चीजें अगर छूटा है तो आप उसके लिए बता देना। आप अगर कोई चीज में इंटरेस्ट हो, आप मेरे साथ अगर काम करना चाहते हो कि नहीं, अपने इंग्लिश पे काम करना चाहते हैं, ऐसा कुछ ग्रुपिंग बना करते हैं, मैं कर सकता हूँ। मेरे साथ कहने का मतलब कि कई लोग जब एक साथ जुड़ोगे ना तो एक दूसरे से बात करने का आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट इज फॉर टुडे, प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।